आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पटेल नगर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या में पुलिस द्वारा उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। सिगरेट मांगने को लेकर हुए विवाद में दोनों दोस्तों द्वारा युवक की हत्या की गई। 8 फरवरी 2024 को थाना पटेल नगर के अंतर्गत धारावली में मंदिर के पीछे खाली प्लॉट में भरे बरसाती पानी में एक युवक का शव पत्थरों से दबा हुआ मिला था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवक की हत्या किया जाना प्रकाश में आया। मौके पर मृतक युवक की पहचान रोहित पुत्र बाबूराम निवासी धारावली चंद्रवनी देहरादून के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों से पूछताछ में उसके द्वारा मृतक का दिनांक 7/2/2024 की प्रातः मजदूरी के कार्य के लिए जाना बताया गया था। घटना के संबंध में मृतक के भाई सोनू सैनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी देहरादून द्वारा स्वयं घटना स्थल पर जाकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए घटना के अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके अनुपालन में थाना पटेल नगर पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटना के संबंध में आसपास के लोगों तथा मृतक के परिचितों से जानकारी की गई। तो मृतक को घटना की रात्रि में घटना स्थल के आसपास अपने साथियों अंकित उर्फ माटू व दिलखुश उर्फ बाला के साथ देखा जाना प्रकाश में आया तथा घटना स्थल के पास ही उनका आपस में विवाद होने की जानकारी मिली, जिस पर उक्त दोनों व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर उक्त दोनों का घटना के बाद से ही अपने घर से फरार होना प्रकाश में आया। जिस पर उक्त दोनों दोस्तों के संबंध में जानकारी हेतु सुरागसी पतरसी करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 9/2/2024 को अभियुक्त दिलखुश उर्फ बाला को भुट्टो बाला तथा अंकित उर्फ माठू को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त दिलखुश द्वारा बताया गया कि प्राचून इंटरप्राइजेज ट्रांसपोर्ट नगर में सेल्समैन का कार्य करता है। दिनांक 7/2/2024 की रात्रि करीब 8:30 बजे वह अपने साथी अंकित उर्फ माठू, जो दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है, के साथ शराब पीने के लिए घटना स्थल के पास एक मैदान में गए थे। वहां शराब पीने के बाद वह दोनों सिगरेट लेने एक दुकान में गए तथा वापसी में घटना स्थल के पास उन्हें मृतक रोहित मिला, जिसने भी काफी शराब पी हुई थी। इस दौरान सिगरेट मांगने को लेकर रोहित व उन दोनों से झगड़ा हो गया तथा उनके द्वारा मृतक रोहित को धक्का देकर तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद उन दोनों ने उसे तालाब में दबाकर डुबा दिया तथा पास ही मैदान में रखे पत्थरों को उसके शव के ऊपर रख दिया, जिससे शव ऊपर ना आ सके। घटना के बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए तथा अगली सुबह घर से फरार हो गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।